रामेश्वरम जी एक तरह से अपने चार धाम में से एक धाम है, और बड़े पुण्य से, बड़े किस्मत से रामेश्वरम जी जाने का मौका मिलता है। आप सब लोगों को ये मौका मिला, इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। जो कराता ऊपर वाला ही कराता है, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों को ये मौका मिला। हमारे मन में अभी तक 75 साल में, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इस किस्म का कभी किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी कि भाई बुजुर्गों को अपने बुढ़ापे में एक बार कहीं तीर्थ यात्रा कराई जाए। पहली बार देश में इस किस्म की योजना बनाई गई कि सभी बुजुर्गों को बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराई जाए। इसके पीछे दो भाव थे। एक तो ये कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने साधन नहीं दिए, गरीबी की वजह से वो अपना पैसा खर्च करके कहीं तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे हैं जिनको साधन तो दिए लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला नहीं है। और कई बार ऐसे होता है, आलस आलस में आदमी रह ही जाता है, जिंदगी बीत जाती है लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं होती, भगवान का नाम नहीं होता। तो तब हमने सोचा कि ये तीर्थ यात्रा शुरू की जाए। इसमें किस्म किस्म के लोग जा रहे हैं, बहुत अलग अलग किस्म के। अच्छी चीज़ ये है कि मोहल्ले की जितनी औरतें हैं सारी इकट्ठी होकर जब जाती हैं तो सारी अपना भजन कीर्तन करती। आप देखोगे, मैं अभी देख रहा था आपका शेड्यूल, आना जाना मिला के 5 दिन तो ट्रेन में है, लेकिन 5 दिन ये ट्रेन के कैसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। भजन गाते गाते सवेरे उठोगे, भजन गाओगे, पूरा दिन भजन गाते गाते बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब टाइम बीत गया। तो रामेश्वरम भी जा रहे हैं, मदुरई भी जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह भी है, बहुत खूबसूरत मंदिर भी है, मैं भी गया हूँ वहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है। आप सब लोग वहाँ पे खूब अच्छे से जाएं, और सबके लिए जैसे अभी आतिशी जी ने कहा, सबके लिए आशीर्वाद लेके आएं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाते हो, इतने बुजुर्गों को, 75 ट्रेन जा चुकी अभी तक, 75 ट्रेन, आपकी 76वीं ट्रेन है और आज 780 लोग जा रहे हैं, और आपका आना जाना, खाना पीना रहना सब बेस्ट व्यवस्था करने की कोशिश की है हमने, फिर भी कोई भूल चूक रह जाए, कोई कमी रह जाए तो मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। कोई अगर व्यवस्था में कुछ कमी रह जाए आप आके हमको बताना, उसको भी अगली बार जब ट्रेन जाएगी उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने कोशिश किया भाई, अपने घर से बस कपड़े लेके आओ, बाकी सारा काम हम करेंगे, सारा आपका ध्यान हम रखेंगे। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं इतना पैसा कहाँ से आता है, तो पैसा इसीलिए आता है क्योंकि अब दिल्ली में ईमानदार सरकार है, हर चीज़ में पैसा बचाते हैं, पैसा हम खाते नहीं हैं, तो वो पैसा जो बच जाता है उसे बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करा देते हैं। यहीं से पैसा आता है, और कहाँ से पैसा आता है, तो वही ईमानदारी का जो पैसा बचा उस पैसे से आप लोगों को हमने तीर्थ यात्रा करा दी। तो जैसे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके गए थे तीर्थ यात्रा पे, उसकी कहानी हमने सबने सुनी है, तो आप सब लोग तो मेरे माँ बाप की तरह ही हो। दिल्ली के जितने बुजुर्ग हैं मैं उनको सबको अपने माँ बाप की तरह ही मानता हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा बहुत शुभ हो। आप में से कितने लोग हैं जो जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई तीर्थ यात्रा करी, कभी हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, कहीं मथुरा वृंदावन, कितने लोग हैं हाथ खड़े करके बताएं। कई लोगों ने कर रखी है, तो ये दूसरी तीर्थ यात्रा है कई लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग अच्छे से तीर्थ यात्रा करें, सब लोग खूब मन लगा के भगवान का भजन करके आएँ, सबके लिए आशीर्वाद लेके आएँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, दिल्ली वालों के लिए। देश खूब तरक्की करे, अपनी दिल्ली खूब तरक्की करे, सबके मन, सबके घर में खुशहाली हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारा।